अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ बहुत ही यूनिक सी एक फ़िश करी की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सिंपल होती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। जितनी सिंपल है ये, उतनी ही अलग सी टेस्ट में और बहुत अच्छी जायके में बहुत बेहतर है। आप इसे ज़रूर बनाए, ट्राई करें। तो हम आपको ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं, तो आप देख लें यह क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी है। और जिसमें कि हमने ये आधा किलो फ़िश है, रोहू फिश है, इसे हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और साफ़ करके इसका पानी वगैरह अच्छे से ड्रेन कर लिया, निथार लिया है एक जाली में रख के। इसके लिए हमने 3 छोटे साइज़ के टमाटर लिए हैं, इसे अभी हम मिक्सी में क्रश कर लेंगे। और 2 टेबल स्पून हमने इमली का पल्प लिया है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च है, और 1/4 टीस्पून हल्दी है। और इमली और हल्दी ये और मिर्च, इसको हम इसके साथ थोड़ा सा देर रखेंगे, मैरिनेट से करके रख देंगे। ये दोनों चीज़ें हम इसमें डाल देते हैं, ये हमने इसमें डाल दिया। अब बाकी चीज़ें देख लेते हैं। 1/2 टीस्पून हमारी मेथी दाना है, और 1 टीस्पून हमारी ये सरसों है, मस्टर्ड सीड्स है, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च और है। अगर हमारी मिर्च कम होगी तो हम थोड़ी इसमें से और ले लेंगे। 1 टीस्पून हमारा नमक है टेस्ट के हिसाब से। आधा हमने कच्चा नारियल लिया है, कच्चा नारियल जो आता है ये पानी वाला, और वो हमने लेना है, हमें सूखा ड्राई कोकोनट नहीं लेना है। और 2 मीडियम साइज़ की प्याज है, आप देख सकते हैं, और 1 इंच का ये अदरक का टुकड़ा है। 5 से 6 हमारी ये हरी मिर्च है, और नारियल को हम पीस लेंगे। पीस के इसका हम पानी छान लेंगे, जो दूध सा निकाल लेंगे, इसका चसम मिल्क निकाल लेंगे, इसे हम अपने फिश करी में डालेंगे। और इन चीज़ों को हम थोड़ा सा मिक्सी में हल्का दरदरा सा पीस लेंगे, जैसे क्रश किया हुआ, बहुत ही बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे तो। और टमाटर भी हम ऐसे ही कर लेंगे, बहुत बारीक पेस्ट नहीं बनाएंगे, हल्का सा हम इसे क्रश कर लेंगे। तो बस इतना ही करना है, आइए हम शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम अपनी इस फिश को अच्छे से हल्दी मिर्चे में अच्छे से मिक्स कर देते हैं, 10 मिनट ऐसे रख लेते हैं। इसके साथ हमारे इमली का पल्प है, और ये है, सब अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए, हमने इसे मछली को अच्छे से मिक्स करके पूरा अच्छे से मैरिनेट करने के लिए रख दिया है, एक साइड हम इसे रख देते हैं। और हम अपनी प्याज वगैरह पीस लेते हैं, हमारी प्याज अदरक मिर्ची अच्छे से पीसना क्या है, क्रश करना है, तो क्रश कर लेते हैं हल्का सा, ये दोनों हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी प्याज वॉश कर लेते हैं, इसको काट के इस चार में। निकाल लिया है दूध का, नारियल का, इसको हमने अच्छे से पीसा है, और स्ट्रेनर में हमने इसको छान के इसका पूरा मैंने दूध निकाल लिया, 1/2 नारियल का। और मैंने ये टमाटर देखिए मोटा मोटा सा पीस लिया है, क्रश कर लिया है, और ये प्याज और हरी मिर्च अदरक को मैंने पीस लिया। अब हम बनाना, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक पैन में हमने तेल गरम कर लिया है, जो कि करीब 70 से 80 ml होगा, आप अपने हिसाब से तेल कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम ये डाल देंगे मेथी दाना, बस इसके कुछ ही सेकंड बाद हम इसमें राई डाल देंगे। गैस का फ्लेम कम रखेंगे, बस 4-5 सेकंड बाद हम इसमें अपना प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। बस इसको 5 बार से हम भून लेंगे, इतना ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, बस हल्का सा कच्चापन खत्म हो जाए इतना हम भून लेना है हमको। अब एक अलग पैन में हम 2 से 3 टेबल स्पून तेल लेंगे, और थोड़ा इसको गर्म कर लेंगे। उसके बाद अपनी फिश हम इसमें एक एक लेयर बिछा के इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का। हमने इसको देखें, अब हमने इसको पूरा एक एक लेयर पूरा बिछा दिया है। अब इसको हम 2 से 3 मिनट एक साइड होने के बाद इसकी साइडें चेंज करेंगे, इसको दोनों साइड से फ्राई कर लेते हैं। अब जब से हमारा ये प्याज अदरक हरी मिर्च भून रही है, इसको हम थोड़ा फुल आंच करके थोड़ा सा और भून लेते हैं, जब तक इसका पानी जल जाए। ज़्यादा डार्क बिल्कुल नहीं करना है हमको, इसको बहुत ध्यान से हमें बस इसका कच्चापन दूर होने तक पकाना है। देखिए, हमारी प्याज करीब करीब हो गई है, आप देख सकते हैं इसका तेल बिल्कुल अलग हो गया है, और कलर डार्क नहीं हुआ है, अच्छे से झाग सा बन रहा है, तेल हमारा अच्छे से प्याज में अलग हो गया है। बस इस जगह पर हम अपना टमाटर डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च अपने टेस्ट अकॉर्डिंग हम डालेंगे, क्योंकि हमने उसमें 1/2 टीस्पून ही मिर्च डाला था। आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से इस टाइम में मिर्च अपनी डाल लें, और नमक डाल लें अपने टेस्ट के हिसाब से, आप नमक डाल लें। 1 टीस्पून हम नमक डाल लेते हैं, इसको पका लेते हैं। अब देखें, हम अपनी मछली का साइड चेंज करते हैं, 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हम अपनी मछली का साइड को चेंज करते हैं।
और मैं फिश का पूरा साइड पूरी सब्टेन कर दिया है, और जितना टाइम हमने एक साइड पकाया है, और लो टू मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट हम दूसरे साइड भी पका लेते हैं। मसाला करीब करीब हमें भुनने लगा है, थोड़ा सा मसाले में 1/4 टीस्पून हल्दी हम और डाल देते हैं, और 1-2 पिंच ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारी मछली की हल्दी तो उसी में है, थोड़ा सा मसाले की हम और बढ़ा लेते हैं, और इसे थोड़ा सा बस 2 सेकेंड के लिए और स्टीर करते हैं। देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल टमाटर ने एकदम से तेल अलग छोड़ दिया है। अब हम इसमें अपना नारियल का दूध डाल देते हैं और इसकी ग्रेवी बना लेते हैं। बॉयल आने के बाद हम इसमें अपनी फ्राई की हुई मछली डाल देंगे। देखिए हमारे ये मछली का पानी बिल्कुल ड्राई होने लगा है और तेल भी अलग हो गया है, तो बस हमारा ये पानी अच्छे से ड्राई हो जाना है, और दोनों साइड से थोड़े से डॉट आने तक मछली में थोड़ा सा स्पॉट से आ जाएंगे अपने फ्राई मछली के, तो बस हमारी मछली बिल्कुल रेडी है। बस इसी अंदाज से आप भी बना लें। देखिए हम इसको चेंज कर, देखिए हम इसका पानी भी देख चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी इसका, इसकी ग्रेवी थोड़ी ठीक है तो थोड़ा सा पानी हम डाल लेते हैं, क्योंकि हमारा दूध तो था ही थोड़ा पानी में। और अब हम अपनी ग्रेवी कितनी देर से इसे बॉयल कर लेते हैं। ग्रेवी हमारी बॉयल हो रही है, इसे हम खोल के देखते हैं। देखिए हमारी ग्रेवी अच्छे से बॉयल हो गई है और सरफेस पे तेल आ चुका है। अब हम इसमें अपनी फिश डाल देते हैं, और डाल के बस 5 मिनट इसमें हम पका लेते हैं। ग्रेवी में बॉयल आ चुका है, अब हम 2 से 4 मिनट के लिए हम इसकी वेट लगाते हैं, और बिल्कुल स्लो आंच पे हम इसे पक देते हैं 2 से 4 मिनट के लिए। 2 से 4 मिनट हो चुके हैं, हम इसको लीड खोल के देख लेते हैं। देखिए हमारी फिश करी बिल्कुल तैयार है, देखिए कितनी अच्छी हमारी फिश करी बन के तैयार है। आप इसकी ग्रेवी का टेक्सचर देख सकते हैं, ये नारियल दूध में बनी इसलिए बहुत टेस्टी होती है। आइए हम इसे डिश आउट करते हैं। देखिए हमने इसे डिश आउट कर लिया है, अब ये बिल्कुल रेडी है, आप इसे खाएं एंजॉय करें। और इसमें थोड़ी सी बस हरी धनिया आप ऊपर से सर्व करते टाइम पेश करें और डालें, और इसे पेश करें और खाएं एंजॉय करें। बहुत टेस्टी बनती है ये, बहुत इजी रेसिपी है, और बहुत जितनी सिंपल चीज़ें हैं देख रहे हैं इसमें सब चीज़ें कितनी कम पड़ी हुई है, और उतनी ही टेस्टी होती है। तो आप इसको एक बार जब बनाएंगे, आप जब भी जानेंगे, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें फीडबैक दें। और अपने हमारे चैनल हमारी रेसिपी पसंद आए तो आपसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें अपनी दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।